इस सेशन के अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर फॉर्म के अंदर मजीद फील्ड्स को ऐड करना हो तो वो कैसे किया जाएगा, जैसे कि मैंने अपने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर आपको बताया था कि हमने अपने टेबल के अंदर तीन नई फील्ड्स ऐड की, जेंडर, क्लास एंड सेक्शंस, और इन्हीं तीनों फील्ड्स को अब मुझे अपने फॉर्म के अंदर कॉल करना है। जब मैं फॉर्म के डिजाइन व्यू पर जाकर देखता हूं तो इस वक्त फॉर्म में ये तीनों फील्ड्स ऐड नहीं है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं फॉर्म को डिलीट कर दूं और दोबारा से फॉर्म क्रिएट कर लूं विजिट की वजह से, तो आसानी से ये फॉर्म दोबारा से क्रिएट हो जाएगा और इसमें वो तीनों फील्ड्स भी आ जाएंगी जो कि मैंने अभी अपने टेबल में ऐड किए। लेकिन प्रोफेशनली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वंस आपने फॉर्म क्रिएट कर दिया तो फॉर्म के अंदर चेंजिंग्स आती रहती है, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप हर दफा फॉर्म को डिलीट करें और नया फॉर्म क्रिएट करें। ऐसा करने से नीचे इस वक्त बने हुए तमाम बटन में लॉक्स कर दूंगा, और आपको याद होगा कि हमने अपने पहले सेशन में देखा था कि ऑन माउस मूव के ऊपर हमने टोटल परसेंटेज ऑफ ग्रेड के फॉर्मूले ऑटोमेटिकली जनरेट किए थे, तो ऐसे तमाम फॉर्मूले भी हमारे लॉस हो जाएंगे और हमें दोबारा से अपने फॉर्म को जब हम क्रिएट करेंगे तो हमें ये सारे फॉर्मूले भी दोबारा टाइप करने पड़ेंगे। और एक आध दफा तो अगर आप इसको कर लें यानी दोबारा से टाइप कर लें तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस बन जाएगी तो डेफिनेटली फिर ये एक सर्वर बन जाएगा और इसको मेंटेन करना और संभालना एक बड़ा टेंशन हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि एक प्रॉपर तरीका हम यूज करें और उस प्रॉपर तरीके को यूज करते हुए हम ये समझने की कोशिश करें कि अगर बाद में अगर क्लाइंट आपसे ये कहता है कि मास्टर फॉर्म के अंदर ये फील्ड्स मजीद ऐड कर दी जाए या जो फील्ड एग्जिस्टिंग अवेलेबल है उसको डिलीट कर दिया जाए, तो ये काम कैसे हो सकता है, इसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए मैं अपने फॉर्म के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लाता हूँ। जैसे सबसे पहले मुझे फॉर्म की थोड़ी सी विड्थ को बड़ा करने की जरूरत है, और जो बटन इस वक्त मेरे पास बॉटम पे अवेलेबल है इसको मैं टॉप पर किसी और स्टाइल के साथ सेट करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं तीन फील्ड्स मजीद ऐड करूंगा तो फॉर्म की जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो उस चीज से बचने के लिए मैं पहले से ही थोड़े से स्पेसेस यहां पर जनरेट कर देता हूं। देन फाइनली अब हम चलते हैं फील्ड्स कैसे ऐड होती हैं। फील्ड्स को ऐड करने के लिए ऊपर हमारे पास डिजाइन के टैब में ऑप्शन अवेलेबल है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड का। जब हम ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास फील्ड लिस्ट का एक ऑप्शन एक विंडो खुल जाती है। इस विंडो में वो तमाम फील्ड्स हमारे पास आ रही हैं जो कि हमारे टेबल में मौजूद है। इस टेबल में टेबल की फील्ड्स में जो फील्ड्स मिसिंग है जैसे जेंडर, क्लास और सेक्शन, इन फील्ड्स को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। फील्ड्स को कॉल करने के लिए हम जस्ट डबल क्लिक करते हैं, वो फील्ड हमारे पास हमारे फॉर्म के अंदर ऐड होगी। तो मैंने सबसे पहले जेंडर की फील्ड को सेलेक्ट किया, फिर वक्त मैं इसे थोड़ा सा नीचे मूव कर रहा हूं ताकि हमारे पास स्पेस रहे। देन क्लास, यहां पर क्लास की फील्ड ऐड हो गई, और थर्ड हम ले लेते हैं सेक्शन, ये सेक्शन की फील्ड भी ऐड होगी। इस तरह से हमने अपने फॉर्म पर ये तीनों फील्ड्स को ऐड कर दिया। अब हमारे पास ये मास्टर टेबल आ रहा है। मजे की बात ये होगी कि इस मास्टर टेबल में आप स्पेस हैंडल नहीं कर सकते, यानी अगर आप कीबोर्ड से कोई लेफ्ट राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो आप अभी ये जो फील्ड्स, लेकिन ओवर नीचे करने से आप देख सकेंगे उसकी पोजीशंस चेंज होगी। जैसे ये इंग्लिश की फील्ड इस वक्त बिल्कुल पहली हेडिंग है सब्जेक्ट में, तो मैं इसे लास्ट में ले जाना चाहता हूँ साइंस के बाद, तो मैंने जस्ट कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस किया, ये एक स्टेप नीचे हुई और फिर एक स्टेप डाउन किया तो ये और नीचे आ गई। मैं जेंडर की फील्ड को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसे मूव करके स्टूडेंट नेम की फील्ड के बराबर में रख देता हूँ, यानी इसे नीचे नहीं किया। देन उसी तरह से क्लास की फील्ड को सिलेक्ट किया और इसे नीचे मूव कर दिया, सेक्शन की फील्ड को सिलेक्ट किया और इसे नीचे मूव कर दिया। इस तरह से मैंने अपनी तीनों फील्ड्स की जो पोजीशंस है उसको सेट कर दिया। पोजीशन सेट करने के बाद कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करके मैंने
اس کا ویو دیکھا تو وہ تمام فیلڈس جو کہ پہلے ان آرڈر تھیں اب وہ آرڈر کے اندر آ گئی اور مجھے ڈراپ ڈاؤن کے ساتھ تمام ہیڈنگز یہاں پر ریکارڈز نظر آ رہے ہیں. تو میں اس طرح سے اپنی فیلڈس کو اپنے فارم پہ بعد میں بھی ایڈ کر سکتا ہوں.